आपका श्रीलंका में जहाँ पे जड़ी बूटी रखी थी आपका हनुमान ने, ये पूरा वो पर्वत है संजीवनी पर्वत। मेरे बिल्कुल ठीक पीछे है हनुमान जी की एक दिव्य मूर्ति। इन इंडिया राम इज अवर गॉड, रावण इज नॉट गॉड। मतलब श्रीलंका में रावण को भगवान मानते हैं, और मैं पहली बार मैं किसी रावण की कहीं पर मूर्ति देख रहा हूँ। किंग रावणा, दुनिया की सबसे पहली मूर्ति जो रावण की है, क्योंकि श्रीलंका में आपका रावण को भगवान माना जाता है। सीता माता को यहाँ पर रखा गया था इस जगह पर। रावणा किडनैप सीता एंड वॉज हिडन। यहाँ के लोग इसको मेडिकल पर्वत के नाम से, मतलब मेडिकल माउंटेन के नाम से जानते हैं, और वैसे ये संजीवनी पर्वत है पूरा। संजीवनी इसमें ये पहला वीडियो होगा YouTube का जिसमें संजीवनी पर्वत दिखाया जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। भाई मैं आपका श्रीलंका में हूँ, और आपको पता है कि मेरी इंडिया टू श्रीलंका की यात्रा चल रही है, और आज मैं आपका प्रिटी वेला बीच के पास में रुका हुआ था। हम लोग रुके थे इस आपका होम स्टे में, और यहाँ पे ना हर किसी ने अपने घर के अंदर ना, जैसे उनके पास दो या चार कमरे हैं, तो उन्होंने अलग से दो तीन कमरे बना के ना ऐसे छोटे छोटे होम स्टे बना रखे हैं। आपको मेरा होम स्टे देख के पता चल रहा होगा कि कितना बड़ा मेरा लग्जरी अपार्टमेंट है। आप देखो टोटल साइज जो है वो 6 फीट है, और मतलब अब आप अंदर जाओगे ना आपको पता चल जाएगा उसके बाद कि भाई एक बेड आने के बाद ना इसमें आपका इंच भर की जगह नहीं बचती है पाँव रखने के लिए। देखो ये अपना रूम है भाई भाई, और इस रूम में भी विक्की भाई ने पूरा मतलब अपना कब्जा जमा रखा है। इधर विक्की भाई सोए थे और इधर मैं सोया था, और देख रहे हो आप यहाँ क्या है ना, मच्छर को ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने हर रूम पे ना ऐसे आपका मच्छरदानी टाइप की दी है। अपने होटल के साइड से ना आपका समुद्र के नज़ारे कितने शानदार लगते हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो भाई ये देखो मेरे पीछे जो लोकेशन है ना, ये है आपका समुद्र की। देखो भाई क्या शानदार से नज़ारे हैं भाई। अब ये काम करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आज ना मैं आपको जिस लोकेशन पर लेके जाने वाला हूँ ना, वो उसको लेके ना मेरे को इतने सारे मैसेज आ रहे हैं इंडिया से कि यार रोहित पहाड़ी, आप अगर आप श्रीलंका गए हो तो वहाँ जाते क्यों नहीं हो, कि क्या जहाँ पर आपका हनुमान ने ना द्रोणागिरी पर्वत को लाकर रखा था ना, संजीवनी पर्वत, जिसकी वजह से भैया लक्ष्मण की जान बच पाई थी। तो आज मैं आपको वहां लेके जाने वाला हूं। फिलहाल एक काम करता हूं, फटाफट से नहा धो लेता हूं। एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं, अपन नहा धो लिया बढ़िया तरीके से। तो फिलहाल इस प्रॉपर्टी को करते हैं बाय बाय संजीवनी माउंटेन के लिए। तो भाई चलो अपन लोग होटल से अपने बाहर आ गए। तो भाई मैं इधर आके ना खड़ा हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे, और ये सब लोग बस का ही वेट कर रहे हैं। दिस इज बस स्टैंड। मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है देखो। तो भाई बस आ गई, बस आ गई, बस आ गई, बस आ गई। चलो चलो चलो। तो भाई गहले के लिए बस मिल चुकी है। ओ भाई यार बस में तो सीट ही नहीं मिलती अपने। और बताए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, आपको श्रीलंका की बसों में भी ना यहाँ पे लक्ष्मी माता की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई है। ऐसा नज़ारे हैं भैया श्रीलंका के बस के। बस इसने हमको उतार दिया आपका गैले के आपका बस स्टैंड। तो भाई जी अपना खाना आ गया, हम पास में एक होटल मिल गया था मेरे को, तो अपने राइस और एग पराठा और सब्जी और थोड़ी दाल। तो भाई जी खाना वाना खाने के बाद ना हम लोग आपका संजीवनी के लिए बस लेने के लिए जा रहे हैं। आपका स्टैंड शायद उधर आसपास में हमको बस मिल जाएगी। यहाँ से संजीवनी पर्वत की जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 किलोमीटर है, और उसमें से 2 से 3 किलोमीटर तो बस जाएगी, उसके बाद ऑफ रोड है मेरे ख्याल से, पहाड़ पे चढ़ना है समथिंग ऐसे कुछ होगा शायद संजीवनी पर्वत के लिए। कुछ ऐसा बाजार है देखो आपका श्रीलंका का, जहाँ से लोग शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। मैं ना अभी यहाँ से बस के स्टैंड के लिए खड़ा था, और मैं इधर एक ऑटो वाले भाई साहब खड़े थे, तो मैं उनसे हिंदी में बात करने लग गया। मैं भूल गया था कि मैं श्रीलंका के अंदर हूँ। मैं इनको बोल रहा हूँ कि संजीवनी के लिए बस कहाँ से मिलेगा, फिर मैंने इनको बोला कि मतलब संजीवनी बस वेयर फ्रॉम आई कैन टेक। तो भाई ने बोला कि पीछे से ना एक आपका स्टैंड है जहाँ पे ओल्ड गैले स्टैंड है, बस स्टैंड है, वहाँ से मात्रा वाला बस मिलेगा। मात्रा बस ना, मात्रा बस। योर नेम इज अखिल है? अखिल है, नाइस टू मीट यू अखिल है। हेलो, क्या हाल है बेटा? भाई साहब से भाई ने बताया कि यहाँ पे एक ओल्ड बस स्टैंड है, और मेरी इंग्लिश जितनी गंदी है उतनी गंदी उनकी हिंदी भी है, ठीक है, तो मामला बराबर, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन भाई आप कुछ भी कहो यार, मतलब कुछ भी, आप चाहे श्रीलंका मंदी के दौर से गुजरा हो, श्रीलंका कितने ही मतलब क्राइसिस से गुजरा हो, यहाँ पे ना भाई रोडों पे जो रोडों की सफाई है ना, मतलब यहाँ की जो क्लीनिंगनेस है ना वो टू गुड है यार सच में। आप देख रहे हो आपको रोड पे ना बिल्कुल भी गंदगी दिखने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जी अपन पहुँच गए आपका गैले के बस स्टैंड में, और यहाँ ना आपको पूरे श्रीलंका के लिए ना बस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो अपने को मिल गई है मात्रा की बस, और ये यहाँ पे फिर पहुँचते हैं भैया संजीवनी पर्वत की तरफ। चलो भैया
लोग ना आपका ऑटो लेके आ गए संजीवनी पर्वत के ऊपर। यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले हैं, हमने इनसे पूछा कि संजीवनी पर्वत, तो ये लोग संजीवनी पर्वत के बारे में इतना जानते नहीं है, बट ये बोल रहे हैं कि देयर इज हनुमान टेम्पल अपसाइड और द लॉट ऑफ ट्री द मेडिकल ट्री, मतलब इनकी नज़र में जो ये पेड़ है सारे ये मेडिकल ट्री है, और हमारी नज़र में ये रामायण के संजीवनी पर्वत के वो पेड़ हैं जिनसे लक्ष्मण की जान बचाई गई। अभी फिलहाल मैं आपका संजीवनी पर्वत में ही हूँ और ये पूरा जो एरिया है संजीवनी पर्वत का एरिया है, तो चलते हैं लोगों से बात करते हैं, पता करते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। They are the piece, piece of the mountain, who fall down from the finger. तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो पर्वत है ना, ये संजीवनी पर्वत जब हनुमान लेके आ रहे थे ना तो उनके हाथ से कुछ टुकड़े गिर गए थे उस पर्वत से, ये वही पर्वत है संजीवनी पर्वत। बाकी तो यार मतलब यहाँ के लोगों को पता है कि रामायण के बारे में, हनुमान के बारे में, उस पर्वत के बारे में, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो 150 अराउंड मेडिकल प्लांट इन दिस माउंटेन, होल माउंटेन। तो भैया ये पूरे पर्वत में ना आपका मतलब 150 से 150 ऐसे मेडिकल प्लांट हैं जो संजीवनी पर्वत का पार्ट होते थे। मतलब मैंने यहाँ पे जो लोग खड़े ना उनसे बात कर रहा था, उनसे पूछा था कि मतलब यहाँ पे तो कहीं पे ना कोई बोर्ड भी नहीं लगा कि संजीवनी पर्वत ये है, शायद अगर यहाँ की गवर्नमेंट ना यहाँ पे संजीवनी पर्वत हनुमान का फोटो लगा के समथिंग ऐसे कुछ अगर उसको डिस्प्ले करे तो यहाँ पे ना मेरे ख्याल से आधा हिंदुस्तान तो भैया घूमने जब आएगा ना श्रीलंका तो यहाँ जरूर आएगा संजीवनी। और इसलिए पूरे पर्वत का नाम ना संजीवनी पर्वत था। हमारी रामायण में जब भगवान लक्ष्मण को ना आपका मेघनाथ जब तीर लगाते हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो बेहोश हो जाते हैं, और फिर भगवान राम बोलते हैं, भैया कहते हैं हनुमान से कि तुम ही हो यार जो द्रोणागिरी पर्वत से जाकर ना वो संजीवनी बूटी लेकर आ सकते हो इतनी जल्दी। तो हनुमान जब वहाँ से आते हैं ना आपका, तो उसके बाद जब लक्ष्मण ठीक होते हैं उसके बाद वो पर्वत रखने की कहानी कोई नहीं है, जो पर्वत वो हनुमान वहाँ से लेकर आए थे ना, जो पर्वत हनुमान जी उत्तराखंड उस पर्वत को हनुमान जी ने यहाँ रख दिया था। जो आपका जंगल है ना ये पूरा मेडिकल प्लांट, अब यहाँ पे गवर्नमेंट और यहाँ के लोग इसको मेडिकल पर्वत के नाम से मतलब मेडिकल माउंटेन के नाम से जानते हैं, और वैसे ये संजीवनी पर्वत है पूरा। तो चलते हैं संजीवनी पर्वत में, और हमको तो ना वैसे मेडिकल प्लांट की उतनी पहचान है नहीं, हमें तो जड़ी बूटियों की पहचान है नहीं, और उस टाइम पे भैया हमारे एक सुसैन वैद्य हुआ करते थे और वो उनको शायद इस बारे में बहुत पता था कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम के लिए उपयोगी है। और मेरे चचा थे, हमारे दिनेश चचा थे, अभी कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है, और मैं जब से रामायण से और रामलीला से जुड़ा हूँ तब से मैंने आज तक ना उनको सुसैन वैद्य का एक्ट करते हुए देखा है। तो वो काफ़ी फनी और कॉमेडियन थे, बट अभी कुछ दिन पहले ही वो ऊपर भगवान जी के पास चले गए। तो यहाँ पर आके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी रामायण में हूँ, रामलीला में हूँ, और अभी आगे पीछे कहीं वो दिख जाएंगे। मतलब यहाँ पे आने के बाद, श्रीलंका में आने के बाद, संजीवनी पर्वत आने के बाद, जैसे ही मुझे कहानी याद आई ना, तो सबसे पहली मुझे अगर किसी की याद आई ना तो अपने चाचा की आई, और मैं उनसे मिल भी नहीं पाया, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। मैं हॉस्पिटल गया था तब, वो ICU में थे, तो उसके बाद श्रीलंका के लिए निकल आया। डू यू नो अबाउट द संजीवनी माउंटेन? यू नो हिंदी? आई थिंक लिटिल लिटिल हिंदी सिंगला, यू नो सिंगला, द पीपल कॉल्ड द इन रामायण। अच्छा, थैंक यू सो मच। नेम? धर्मा सीढ़ी। योर नेम इज धर्मा सीढ़ी? यू धर्मा? माय नेम इज रोहित, रोहित पहाड़ी, रोहित पहाड़ी फ्रॉम इंडिया। ओके। और वी रीड इन रामायण, वी सी, वी रीड राम इज कम इन लंका for fight with Ravan. Yeah. He is came here for our wife Sita. Yeah. ये shoes यहाँ खोलने? Yes, yes, yes. This is the temple of Buddha temple. Yeah. Where is Sanjeevani mountain? Yeah, mountain. अच्छा संजीवनी, अच्छा अभी फिलहाल यहाँ पर बुद्धा का टेम्पल है। और is there any Hanuman temple? Yes. Yeah. अच्छा इनसाइड? yeah, तो इसी के अंदर आपका हनुमान का मंदिर भी है, और अभी यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर बहुत ज़्यादा है श्रीलंका के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका बुद्धा जी का भी स्टैचू लगा हुआ है। और ये पूरा का पूरा जंगल आपका संजीवनी पर्वत में, तो पंडित जी हमें मिले धर्मा सीढ़ी, धर्मा सीढ़ी हमको मिले हैं, और ये हमें बता रहे हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ किधर किधर क्या चीज़ है। तो चलो इनके साथ चलते हैं मंदिर के अंदर, पहले बिना जाते हैं तो। ओके ओके, ओके.
तो जाने से पहले इस तरीके से आपका ये करना पड़ेगा आपको भी। तो चलो भैया हम जा रहे हैं आपका संजीवनी पर्वत में, जो हनुमान टेंपल है उसके अंदर जा रहे हैं, और मैं आपको आज जो दिखाने वाला हूँ ना, शायद आपने आज तो भाई जी मैं आ गया हूँ आपका संजीवनी पर्वत के मेन द्वार पे। इसके अंदर ना यहाँ से आपका संजीवनी पर्वत के अंदर जाने का रास्ता है, और यहाँ पे ना ऐसी बहुत सारी संजीवनी बूटियां अगर मिलेंगी ना तो आपके रोहित पहाड़ी आपको जरूर दिखाएंगे। तो चलते हैं इस द्वार से अंदर की तरफ, और ये है आपका मेन द्वार संजीवनी बूटी के पर्वत का द्वार। तो चलते हैं पर्वत के अंदर की तरफ। तो भाई आप ना संजीवनी पर्वत के जैसे अंदर को आते रहोगे ना तो आपको ऐसे मतलब बहुत सारे प्लांट भी दिखाई देंगे, मतलब बहुत सारी गुफाएं भी देखने को मिल रही है। तो हम लोग धीरे धीरे संजीवनी पर्वत के अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं, और आपको मेरे जो आपको गुफा दिखाई दे रही है, इस गुफा के अंदर रावण ने माता सीता को छुपाया हुआ था। और ये ठीक सामने बिल्कुल आपको जो मूर्ति दिखाई दे रही है, ये है रावण की मूर्ति। यहाँ पे लिखा हुआ है किंग रावणा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मूर्ति रावण की है। और इसी गुफा के अंदर माता सीता को रावण ने छुपाया हुआ था, और यहाँ पे ना सारी मूर्तियां हैं, लेकिन श्रीलंका के अंदर ना राम की मूर्ति कहीं नहीं है, रावण की मूर्ति है, हनुमान की मूर्ति है, बुद्ध की मूर्ति है, माता लक्ष्मी की मूर्ति है, सीता माता की मूर्ति है, लेकिन राम की मूर्ति श्रीलंका के अंदर नहीं है। तो चलते हैं गुफा के अंदर। तो भैया जी ये देखो आप, यहाँ आपका माता सीता को आपका रावण ने छुपाया हुआ था, और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भैया यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा है, द लेजेंड सेज किंग रावणा किडनैप सीता एंड वॉज हिडन हेयर इन रोमासिल्ला। तो सीता माता को यहाँ पर रखा गया था इस जगह पर। तो वेर इज अशोक वाटिका, अशोक वाटिका व्हेन सीता वॉज सिट अंडर द ट्री एंड लिटिल पीस ऑफ द माउंटेन फॉल डाउन इन रोमासिल्ला, या अच्छा उनकी अंगुली के बीच में से माउंटेन जो गिरा, दिस इज द माउंटेन रोमासिल्ला माउंटेन। सबका श्रीलंका में इस संजीवनी पर्वत में सीता माता को छुपाया गया था, ये वो पर्वत है आपका संजीवनी पर्वत। और इस तरीके से रावण ने सीता माता को यहाँ पर छुपाया गया था, जो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और इस तरीके से रावण ने सीता माता को यहाँ पर छुपाया गया था, जो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा सीता देवी, अच्छा टाइपिंग इन सिंगुलर लैंग्वेज। तो आपका यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो भैया ये रावण की वो गुफा थी जहाँ पर आपका सीता माता को छुपाया गया था, अंदर सीता माता का लेटा हुआ एक मूर्ति भी है। और रावणा, अच्छा किंग रावणा, दिस इज रावणा, ओ भाई तो मैं रावण का पहला फोटो, पहला ऐसा मूर्ति देख रहा हूँ इन इंडिया। राम इज अवर गॉड, रावण इज नॉट गॉड। इन श्रीलंका रावण इज गॉड, मतलब श्रीलंका में रावण को भगवान मानते हैं, ओके। और हमारे हिंदुस्तान में राम को भगवान मानते हैं। और मैं पहली बार मैं किसी रावण की कहीं पे मूर्ति देख रहा हूँ, और श्रीलंका में आने के बाद मुझे पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे आपके बिल्कुल ठीक सामने ये जो मूर्ति है, ये है आपका रावण की मूर्ति। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सामने लिखा हुआ है, ये किंग रावणा। और ये है भैया पहली, दुनिया की सबसे पहली मूर्ति जो रावण की है, क्योंकि श्रीलंका में आपका रावण को भगवान माना जाता है। इफ आई वॉन्ट द संजीवनी मेडिकल प्लांट वी विल गो इनसाइड द जंगल, स्टेप बाय स्टेप, वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग। तो भैया पंडित जी बोल रहे हैं अगर आपको कहते हैं जड़ी बूटी चाहिए तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए, और फिर आपको जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं आपको ना इस संजीवनी पर्वत तक तो लेकर आ गया हूँ, माता सीता को मैंने आपको दिखा दिया है, और रावण की मूर्ति मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिनकी वजह से संजीवनी पर्वत यहाँ तक पहुँचा, जिनकी वजह से संजीवनी पर्वत यहाँ आके गिरा था ना, वो थे भैया आपके इस दुनिया के सबसे महाबली हनुमंता। तो बिल्कुल ठीक सामने है भैया आपका हनुमान जी की मूर्ति, और यहाँ पे देखो सिंगला लैंग्वेज में लिखा हुआ है हनुमंता, और इंग्लिश में लिखा हुआ है हनुमंता। आपका श्रीलंका में जहाँ पे जड़ी बूटी रखी थी आपका हनुमान ने, ये पूरा वो पर्वत है संजीवनी पर्वत। और मेरे बिल्कुल ठीक पीछे है हनुमान जी की एक दिव्य मूर्ति, और मेरे बिल्कुल इस साइड में आपका रावण की मूर्ति, क्योंकि यहाँ पे रावण को भी भगवान माना जाता है। और इसके नीचे आपका सीता माता की मूर्ति भी है, और इसमें भी आज भी इसमें बहुत सारे ऐसे चमत्कारी पेड़ हैं। जब कहते हैं श्रीलंका सरकार को मतलब बहुत बार जब मेडिकल की जरूरत होती है तो इस जंगल से ऐसी जड़ी बूटियाँ वो लेकर जाते
बताते हैं जो आज भी यहाँ पर जिंदा है। अच्छा दिस प्लांट इज मेडिकल प्लांट। अच्छा तो भाई यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, जैसे हम लोग रामायण में रामलीला में संजीवनी बूटी चमकाते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ ऐसे लगा रखे कि ये मेडिकल ट्री है। यहाँ पे संजीवनी पर्वत से मतलब ढूंढ ढूंढ के लाके ये पेड़ यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अंदर तो मैंने आपको दर्शन करा दिए, अंदर रावण का आपको मूर्ति दिखाई, सीता माता की दिखाई, हनुमान की दिखाई, और अब चलते हैं संजीवनी के जंगल के अंदर। क्योंकि यार मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आया हूँ ना, अगर मैंने वो भी नहीं आपको दिखाया, वो भी एक्सप्लोर नहीं किया, तो फिर मेरा यहाँ ना बेकार है। बहुत सारे लोग मुझे लगातार कमेंट कर रहे हैं वहाँ से कि यार रोहित भाई अशोक वाटिका दिखाओ, रावण का घर दिखाओ, संजीवनी बूटी पर्वत दिखाओ। तो संजीवनी हाँ स्मेल गुड स्मेल ये संजीवनी मतलब कौन सा संजीवनी? नेम ऑफ द संजीवनी, नेम ऑफ द प्लांट हींग, हींग अरक्ता, हींग हींग या अच्छा हींग हींग अरक्ता, यहाँ पे हींग भी संजीवनी होती है भाई। भाई जी मैं आपका संजीवनी पर्वत से अब निकल रहा हूँ वापस आपका गैल सिटी के लिए। आई होप कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपने आज से पहले कभी ना माता सीता की गुफा और रावण का आपका मूर्ति और आपका संजीवनी पर्वत आज से पहले कभी किसी ब्लॉग में, शायद मैंने तो कभी नहीं देखा, अगर आपने पहली बार देखा है ना तो लाइक और कमेंट और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर किसी ने आपको, क्योंकि आप हर किसी को रामायण के बारे में पता है लेकिन संजीवनी पर्वत के ऊपर ना आज से पहले किसी ने कहीं वीडियो बनाया, तो आज आपके रोहित पहाड़ी ने ये वीडियो बनाया आपके लिए। क्योंकि मैं श्रीलंका में आया हूँ, और श्रीलंका वो धरती है जहाँ पे भगवान राम के, रावण के, हनुमान के, सीता के, लक्ष्मण के, सुग्रीव बाली सारे जितने भी कहते हैं आज तक के मतलब महापुरुष रहे हुए हैं और भगवान रहे, सब ने भैया श्रीलंका की धरती पर कुछ ना कुछ कारनामा किया। और इस संजीवनी पर्वत को हमारे उत्तराखंड हिमालय से ला के यहाँ श्रीलंका तक पहुँचा, तो अपने उत्तराखंड हिमालय से मैं भी यहां पहुंच गया। और अगर आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी करना अपने जानने वाले से, क्योंकि रामायण हर किसी ने देखी है और रामलीला भी हर कोई देखता है, लेकिन आपका संजीवनी पर्व शायद आपने आज से पहले कभी किसी के थ्रू देखा नहीं होगा। अगर आपको लगा अच्छा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो यार, क्योंकि इंस्टाग्राम के माध्यम से ना आपको सारी अपडेट मिलते रहेंगे कि कब आपके रोहित पहाड़ी कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं।